पूरी रांची जल संकट से गुजर रही है और रांची भर में जल को लेकर, पानी को लेकर त्राहिमाम है। तस्वीरें आपने कई देखी हैं, लेकिन कहावत है कि गांव में छोरा और बगल में छोरा और पूरे गांव में ढिंढोरा। तो वो कहावत जो है ये कहीं ना कहीं यहाँ चरितार्थ हो रही है। यहाँ हम मौजूद हैं विद्यानगर वार्ड नंबर 34 में और यहाँ पर आप देख सकते हैं डीप बोरिंग की गई है और यहाँ से टैंकर पे पानी भर कर पूरे राजधानी रांची में पहुँचाया जा रहा है। लेकिन यहाँ के विद्यानगर के लोगों की शिकायत है कि जिन टैंकरों में पानी पूरे शहर भर में पहुँचाया जा रहा है, उन टैंकरों से उन्हें ही पानी नहीं मिल पा रहा है और पिछले 5 दिनों से वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। बातचीत करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से और समझते हैं कि किस तरह से, ये देखिए टैंकर में पानी भरा जा रहा है। आप लोगों के घर में कब से पानी नहीं पहुँचा? आज 5 दिन से पानी नहीं पहुँच रहा है। हमारा गली में, हमारा मंदिर में बिल्कुल पड़ा हुआ है। ऐसी विद्यानगर रोड नंबर 9 में हमारा आवास है और रोड नंबर 9 पर कैसे बन रहा है बिना पानी के? ऐसे खरीद करके हम लोग ले रहे हैं। कितना पानी खरीद लेते हैं एक दिन में? एक दिन में 4 गिलन 5 गिलन खरीद के अपना काम चला रहे हैं। कितना पड़ रहा है खर्चा उसका? करीब 80 रुपया। तो काफी महंगा पड़ जा रहा है। तब महंगा पड़ जा रहा है तो करते हैं क्या? आत्मदाह करने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। हमने सारा प्रक्रिया नगर निगम प्रशासक से, हमारे पास प्रूफ है, नगर निगम प्रशासक से भी, करम चौक सार्वजनिक मंदिर के लिए, शिव मंदिर के लिए हमने काफ़ी प्रयास किया परंतु हमको सफलता नहीं मिला। 5 दिनों से टैंकर आप यहीं पर भरते हुए देख रहे हैं लेकिन पानी आप लोगों के नहीं। ये कुछ लोगों के इशारा पर, चाहे अब वार्ड परिषद के इशारा हो, सुपरवाइजर का इशारा हो, कुछ खास लोगों का इशारा हो, आम लोगों का पानी नहीं मिलता है। यहाँ से रोज 50 टैंकर पानी भराता है, बाकी आम लोगों तक ये पानी नहीं पहुँचते। एक शिकायत हमने किया है, वो हमारे पास लिखित है लेकिन कुछ कोई सुनवाई नहीं है। ड्राइवर कहता है कि सुपरवाइजर कहता है कि ड्राइवर जाने, ये कोई सुनने वाला नहीं है। इसके लिए हमने नगर निगम प्रशासक से भी, आपको हम चलिएगा ऑन पेपर दिखा देंगे, कहीं पर करम चौक पर कोई सार्वजनिक बोरिंग पानी का इतना घोर अभाव है कि आम लोग जो है, हम यहाँ तक कि 2 दिन से 3 दिन पर मंदिर नहीं धो पाते हैं, जो मंदिर भी हम जो बनाए हैं। चलिए ये देखिए, ये यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी भरने को लेकर अब विवाद भी जो है वो शुरू हो चुका है। जिस निवासी जो है वो पानी भरने के लिए अब नहीं दे रहे हैं। ये देखिए क्या ये चल रहा है, ये स्थिति देखिए कि किस तरह से यहाँ पर पानी भरने नहीं दिया जा रहा है। एक दिया हालत खराब है, लेटरिंग बाथरूम जाने के लिए चटपटा रहा है। तो ये आपके आपके मोहल्ले में ये पानी का टैंकर जाएगा? हाँ, मेरे गली में जाएगा। अच्छा, तो ये लोग मान गए कि अभी जबरदस्ती किए हैं? अच्छा, 5 दिन से नहीं आया? 5 दिन से यहाँ लेटरिंग बाथरूम करने का दिक्कत हो रहा है। तो पीने का पानी कैसे ये हो पा रहा है? पीने का तो खरीद के पी ले रहे हैं, मगर बाकी नहाने धोने, लेटरिंग बाथरूम, बाकी कपड़ा लत्ता सब के लिए पानी चाहिए ना। आदमी खरीद के तो यूज नहीं कर सकता है। मेरे घर मोहल्ला में बोरिंग है और पानी जा रहा है दूसरा जगह। कितना खर्चा पड़ जा रहा पानी खरीद कर पी रहे हैं और इस तरह से पीने के लिए? तो 20 लीटर हम लोग खरीदते हैं 10 रुपया में, नहाने धोने के लिए भी खरीद के ले जाए। 5 दिन से ऐसी स्थिति है, पूरा ड्राई जोन तो है ही है घर में। पानी इतना यहाँ पर बिखरा हुआ है लेकिन तो बिखर रहा है तो गिरेगा, टैंकर फूटा हुआ है तो बिखरेगा ही पानी, लोगों के घरों तक नहीं जा रहा है। अच्छा, तो ये दूसरा जगह टैंकर जा रहा था जिसको आपने अपने बस्ती के लिए? जी, दो टैंकर अभी लेके जाएंगे, जबरदस्ती लेके जाएंगे। अच्छा, अभी वार्ड परिषद की तरफ से? नहीं, हाँ, इस तरह से लड़ जबरदस्ती, जी जबरदस्ती लेके जाना पड़ रहा है। चलिए, तो देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं कि किस तरह से विद्यानगर की, जहाँ पर डीप बोरिंग की गई है और यही बस्ती वासियों को पानी नहीं मिल रहा है, और किस तरह से यहाँ लड़ झगड़ कर जो बस्ती वासी है वो खुद से ही अपने बस्ती में पानी पहुँचाने के लिए यहाँ पर जुटे हुए हैं, भिड़े हुए हैं। महिलाएँ भी हैं, महिलाओं को दैनिक कार्य होता है, दिन भर का काम कैसे चल रहा है उनसे भी जानते हैं किस तरह से घर चल रहा है बिना पानी के। तो क्या करें, इस तरह चल रहा है कि पानी अपना खरीद के लोग, बच्चा बुजुर्ग के नहान पीटन कर रहा है, लेटरिंग बाथरूम, छोटा छोटा बच्चा जिसका घर में 4 गो है 2 गो है तो कहीं से भी ला के करे गए।
बनेगा पानी बगैर। खरीद खरीद ले जा रहे हैं करम चौक से यहाँ है से, और जो गली में यहाँ टैंकी बैठा है वो गली में पानी घुस रहा है, हम लोग के गली में टैंकी नहीं है और पानी नहीं घुस रहा है, तो हम लोग को दिक्कत है कि नहीं? खरीदिए कि नहीं ले जाएंगे? छोटा छोटा चर चर को बाल बच्चा है, पोता पोती कहाँ से लाएंगे? ये है यहाँ विद्यानगर के आम लोगों की समस्या। हम मौजूद है वार्ड नंबर 34 में और यहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से टैंकरों में पानी तो भरा जा रहा है लेकिन वार्ड नंबर 34 में नहीं पहुँच पा रहा है, जिसके कारण ये बस्तीवासी जो है वो पूरी तरह से परेशान है। और आपने देखा कि किस तरह से जबरन जो है अब वो टैंकर को बस्तीवासी अपने बस्ती में लेकर जाना चाह रहे हैं ताकि उन्हें 5 दिनों से जो पानी नहीं मिल रहा है उस समस्या से उन्हें निजात मिल सके। तो पानी से तो त्राहिमाम है ही राजधानी रांची, लेकिन ये तस्वीरें और भयावह है क्योंकि टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाने की बात जो है वो की गई थी और भरोसा दिलाया गया था कि कहीं भी पानी की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर टैंकर होने के बावजूद, पानी होने के बावजूद बस्तीवासी प्यासे हैं। इस पर सोचने की ज़रूरत है और ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।